और तू बोलता क्यों नहीं, और लेने को नाम बाबा का तू अपना मुख खोलता नहीं। कि आज का ये तेरा ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा, कि जब तू बोलना तो चाहेगा मगर बोल नहीं पाएगा। आइए बताया कि बोलने को तीजे बाबा दे तू बोलता नहीं, और इस मुंह से नाम लेने को बाबा बाबा का अपना मुंह खोलता नहीं। आज का ये तेरा ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा, जब तू बोलना तो चाहेगा मगर बोल नहीं। जब अंत समय होता है तो इंसान एक एक शब्द कहने के लिए तरसता है मगर बोल नहीं पाता। इसलिए कहा है प्यारे कि ये सुंदर सी जिभ उस बाबा ने दी है, और ये सुंदर सुंदर दो हाथ ये उसी ने दिए हैं। इसलिए जय बाबा की बोलना चाहिए, और उसके दरबार में उसके चरणों में बैठकर तालियों से हाजिरी लगानी चाहिए या नहीं, जरा हाथ उठा करके दिखाएंगे, लगानी चाहिए। तो इसीलिए एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलो सच्चे दरबारी की, बाबा मोहन राम की। आप भी लगा लो काली घोड़ी धाम की। आइए बड़ी सुंदर सा भजन रखते हैं बाबा के चरणों में, सभी का सुना हुआ भजन है। आइए एक दुखियारी कैसे बाबा के चरणों में गिरकर रोने लगती है, और दुखियारी क्या कहने लगी। अरे तीन लोक के नाथ जाके जा हो, कित सोया पैर पसा। अरे हैं तेरे थोड़े पे हो, एक दुखिया रही पुकार। आइए तारियों के साथ चलेंगे बाबा के चरणों में, क्योंकि सभी का सुना हुआ भजन है, सभी को आता है। उठाइए दोनों हाथ और तालियों के साथ चलेंगे और कहेंगे क्या। अरे तीन लोक के नाथ जाके जा, कित सोया पैर पसा। अरे तेरे ढूंढे पैर, एक दुखिया रही पुकार। तेरे ढूंढे पैर, एक दुखिया रही पुकार। तीन लोक के नाथ जाग जा, कित सोया पैर पसा। चरणों में नाम नहीं बताया, अपने नाम की 101 रुपए से अरदास लगाते हैं बाबा, हमेशा उनके अन्न धन के भंडारे भरे रखे। और दुखिया कहने लगी कि बाबा मैंने जब से तेरा नाम सुना है, तेरे नाम की अपने घर में दीपक जगाया है, बाबा जब से मैंने तुझको जाना है मैं तुझको ही मानती हूँ, अब तो मेरी नैया तेरे हवाले। आइए दुखियारी पहली बात में क्या कहने लगी। बाबा मेरे, मैं हूँ किस्मत की मारी।
भले हो गई मेरा छुट गया पीना खाना ओ मेरा छुट गया पीना बाबा के चरणों में अपनी नेक कमाई से 51 रुपए की अरदास लेकर के आए हैं और उधर से माता जी 101 रुपए की अरदास लगाती हैं। आइए उधर से भी बाबा के चरणों में जो भी भक्त नेक कमाई से अरदास लगाते बाबा सभी की मनोकामना पूरी करे। आइए दुखियारी कहने लगी कि बाबा जिसके संतान नहीं होती उसका इस दुनिया में कहीं भी ठिकाना नहीं होता। बाबा आज मैं दर दर की ठोकरें खाती हूँ, अगर तूने भी मेरी फरियाद नहीं सुनी तो इस जमाने में कोई भी मेरी फरियाद नहीं सुनेगा। आइए दूसरी बात में दुखियारी क्या करने लगी। Just